अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी रात के हो रहे हैं 12:15, और मैं 12:15 बजे ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, और सुबह है फर्स्ट रोज़ा। सुबह यानी कि अब तो हो ही गई सुबह, सहरी में 2 घंटे रह गए, 2-3 घंटे। तो बस इसीलिए मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल वैसे भी मेरी छुट्टी है ड्यूटी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ा रख के उसके बाद ही फिर सोऊं। अगर अभी सोता हूँ तो फिर सहरी के टाइम उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कोशिश तो है कि मैं जागूँ और सहरी करके फिर सोऊं, लेकिन अगर नींद आ गई तो फिर उठूंगा तो तब व्लॉग स्टार्ट करना मुश्किल होगा। तो आज पहली सहरी है, तो चलें मैंने कहा आज व्लॉग शूट कर लेते हैं। और अभी वेट हो रहा है अबू जी का। अबू जी अभी नहीं आए ड्यूटी से, तो अबू जी आएंगे, दरवाजा खोलने जाना भाई नीचे। और अभी बाहर देखते हैं मौसम कैसा है, क्योंकि आज यहाँ पे मौसम बहुत कमाल का हुआ, क्योंकि सुबह से बादल थे, उसके बाद फिर दोपहर को तकरीबन कोई 1 बजे के बाद 2 बजे बारिश स्टार्ट हो गई। हल्की हल्की बारिश कभी हो रही कभी बंद हो रही, कभी हो रही कभी बंद हो रही, तो ये वाला सीन चल रहा था। तो अभी बाहर जरा देखते हैं टेरेस से कि क्या सीन है। जैसे अंदर पहले तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश हो रही है, बाहर आवाज आ रही थी, लेकिन पता नहीं। और नहीं नहीं हो रही बारिश, मौसम मौसम तारे निकल आए अभी ऐसे, आप लोगों को नजर नहीं आएंगे लेकिन तारे निकले हुए हैं। वो एक था, पता नहीं गाना था या डायलॉग था, तारे जमीन पर लेकिन यहाँ पे तारे आसमान पर। नहीं, तो अभी बस वेट हो रहा है अबूजी का, बुआएं दरवाजा खोलूं फिर आके लेटता हूँ। और कोशिश है कि ना ही सोऊं, सहरी करके फिर सोऊंगा एक दफा ही, तो फिर लेट उठूंगा, इसलिए व्लॉग जल्दी स्टार्ट कर लिया रात को। तो बाकी सुबह सहरी के सीन दिखाएंगे, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, AH मेहर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुँच जाए। यार महीने में मैंने 3 से 4 तो व्लॉग डालने होते हैं, एक पूरे एक वीक के बाद मेरा व्लॉग आता है या 2 वीक के बाद व्लॉग आता है, और वो भी आप लोग नहीं देखेंगे तो फ़ायदा फिर आप लोगों का इंटरनेट यूज़ करने का या यूट्यूब देखने का क्या फ़ायदा होगा आप लोगों का, है। तो इसलिए बेल आइकॉन को लाजमी दबाना है। लो जी सुबह के 3:15 हो गए, सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया। और ये मस्जिद में ऐलान वगैरह हो रहा था, अभी वो पढ़ रहे हैं। अभी मैं घर वालों को उठाता हूँ कि उठ जाएं सहरी बना लें। और मेरी आंखें ना इस टाइम फुल बंद हो रही थी, पता नहीं मैं कैसे जाग रहा हूँ। तो अभी बस घर वालों को उठाते हैं कि सहरी बनाई, सहरी करें फिर नमाज पढ़ के सो जाना है बस। लें जी सहरी वगैरह रेडी है, और यहाँ पे वॉइस को पता नहीं क्या हुआ था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये भाई जान को उठाया था और ये अंदर से आके बाहर पे लेट गया, और आंखें इसकी अभी भी नहीं खुल रही। लो जी यहाँ पे चल रही हैं मेहनतें, क्योंकि अभी मैंने बाहर जाना बाजार, तो इसलिए कपड़े शपड़े इस्त्री कर रहा हूँ क्योंकि चेंज करने वाले थे। तो अभी यही चल रहा है फिलहाल, कपड़े बल्कि ये कमीज मैंने इस्त्री करके पहन ली है, और ये ट्राउजर मैं कर रहा हूँ अभी इस्त्री भी करके फिर निकलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर की क्या सिचुएशन है। और अभी तकरीबन असर होने वाली है, और अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, तो अभी देखते हैं क्या सीन चलता है आगे। लो जी रेडी शेडी हो गया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ प्याज की शॉप पे, क्योंकि रात को बाइक दे के आया था उसे ठीक करवाने के लिए, और रात को आते हुए ना वो धुआं मारने लग गए थे, तो इसलिए प्याज को दे आया था रात को कि मैं सुबह लेट उठूंगा तो आप काम कर देना। अब जाके चेक करते हैं कि काम किया या नहीं किया और क्या सीन था उसका, और बाकी
घर से निकला हूँ तो तीन चार काम बता दिए घर वालों ने, ये भी लेके आना, ये भी लेके आना, ये भी लेके आना, ये भी करना है, और वो भी साथ साथ होंगे आज, देखते हैं फिर। लो जी रात की दी हुई है ये बाइक, अभी भी बगैर इंजन के खड़ी है, यानी कि इंजन है, हेड सिलेंडर नहीं है इसका। लो जी बाइक का इंजन भी गायब और दुकान से प्यासा भी गायब। इंजन कहीं बेच तो नहीं आया, वो क्या होगा उसको करवाने, ठीक करवाने, तो वो करा दिया काम होता है ना, तो आई थिंक वो लेके गया हुआ है करा दिया के पास काफ़ी टाइम से, तकरीबन कह रहे हैं कि कुछ घंटा हो गया उसका, छोटा भाई बैठा है तो तकरीबन घंटा हो गया, अब उसका वेट हो रहा है, कॉल उठा नहीं रहा तो उसी का वेट हो रहा है, क्या ये तो पता चले कि क्या सीन है। और वैसे भी इसको फिट करते करते ना ये मेरा ख्याल है कि कोशिश ही करेगा कि अफ्तारी से पहले कर ले, क्योंकि उसने भी अफ्तारी करनी होगी, लेकिन मुश्किल ही है लग रहा, देखते हैं क्या सीन बनता है। प्यार साहब अभी फिट कर रहे हैं बाइक को और मैं अभी नमाज पढ़ के निकला हूँ, तो मुझे घर से कॉल आ गया है सामान दे जाओ, अभी मैं ये सामान वगैरह लेके जा रहा हूँ घर, क्योंकि 5:30 हो गए, अफ्तारी बनानी है उन्होंने, वेट कर रहे हैं, और फिर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा बाइक लेने के लिए। लो जी घर पहुँचा हूँ, तो कैंप कटा दिया घर वालों ने, तो पानी ले आओ, अब बाइक है नहीं, अब मैं कैन ले के जा रहा हूँ पैदल, प्यार को पूछता हूँ कि कितना टाइम है, वो बाइक फिट कर रहा था बस, वो फिर फिट करके देगा तो फिर ये पानी का भर के लेके आऊँगा, देख लें भाई ऐसे ही चलता है, एक काम करो दूसरा निकल आता है आगे से, कोई बात नहीं करना ही है। लो जी फ्याज साहब अब हमें देंगे दिल का झटका, हार्ट अटैक देने लगा, गिरारी ये लिखनी लिखनी इसने 4-5 चीजें लेकिन बिल देख रहा आप लोग। हाँ जी हाँ जी आएल और की सी कुछ नहीं हेड दा या और की सी बाकी तो सब कुछ ओके है भाई, बस ये चीज हो सही। हाँ जी चलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी फिर भी कैलकुलेटर कर ली कमाता घाटा वे मन देख रहे हैं क्या एक धुआं मारने की वजह से कुछ भी नहीं बना, इतना कुछ खुला ये हुआ अभी भाई। अभी ये 36 होगा बिल बना के, कुछ भी नहीं कुछ अभी, भी नहीं अभी है। कह रहा है कुछ नहीं बना कुछ इसके नहीं लिए अभी भी कुछ नहीं बना भाई, एक्सीडेंट है सैड है, ये पॉकेट से जा रहे हैं, ये पॉकेट से जा रहे हैं। हां अभी चैनिक चैन गोटे तो डाली नहीं इसमें, हाँ 400 की तो वो है, कितने हो गए 4000 पूरा हो गया। हेलो जी चंगे रहे 3600 तो 400 4000 पूरा कर देता हूँ, हाल है बेटा रख ला मैं करना अब बेल तार के आ जी इन्हें उन्हें आगे देना मैं एटीएम मार के 4000 दिया यार, अब तारी के बाद देता इंशाल्लाह, अब तारी के बाद ना कर पकड़ाता टेंशन नॉट भैया, अभी पानी लेके जाना है और मिनट रह गए 10 मिनट में पानी लेके घर भी पहुंचना है, पहुंचो टाइम से। लो जी अफ्तारी की तैयारी हो चुकी है सारी और रह गए हैं बस 2-3 मिनट, तकरीबन 3 मिनट रहते हैं अभी, बस वेट हो रहा है अफ्तारी करते हैं फिर। पहुंच गया मैं अफ्तारी के टाइम पे, वैसे उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी पहुंच गए। यहाँ पे हैं हमारे पास फ्रूट चाट, खजूरें, खरबूजा, ये पकोड़े, ये फिर वो फ्रूट चाट सही बल्ले, और ये पटैटोस, इसे कहते हैं पटैटोस, और ये है हमारे पास सवैया रायता, और ये मैं अभी मैं आया हूँ एटीएम, क्योंकि प्याज को भी पैसे देने,
और नहीं 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 फिर नहीं दिखाऊंगा। बहुत तेज आ रहा है। एटीएम में जाने बोल दो कुमार तक ट्रांजैक्शन रिसीव। यस कैश विड्रॉ करंट अकाउंट है भाई हमारा। बहुत है इतने कंफर्म क्योंकि वो फिर यूज हो जाते हैं ना कैश पास पड़ा हो ना कहीं लग जाते हैं इसलिए सिर्फ उतना ही नहीं कर पाता हूँ जितने को इस्तेमाल 4000 उसको देना और बाकी 1000 अपने पास रखूंगा या अभी देखता हूँ कोई वार सेंटर ओपन हुआ तो बाइक धुलवाते हैं। कैश अच्छा एंटर ऑफर मिल गया और हालत इसकी बाइक की आप देख सकते हैं। अभी इसको ज़रा फ्रेश चमकाते हैं। कल बारिश हुई है ना तो मट्टी और मट्टी हो गई। ड्यूटी से सिर्फ घर आते आते तो अभी बस इसको चमकाते हैं उसके बाद फिर देखेंगे रिफिल भी करवा ही लेते हैं टैंकी फुल करवाते हैं इसकी और तो चेक करते हैं कि इस बार कितने में होती क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो अभी देखते हैं अब कितने में रिफिल होती है। हो गई क्लीन अपनी बाइक कंडीशन अब साफ लग रही है पहले बहुत खराब हो गई थी। टंकी फुल नहीं हुई क्योंकि मैंने कार्ड पेमेंट कर दी थी और उनके पास कार्ड मशीन चल नहीं रही थी इसलिए अब हमने सिर्फ 550 का डलवाया और जा रहे हैं वापस। अभी बस प्याज को पैसे देने और फिर घर जा के सुकून चिल मॉल आराम करेंगे। यार सुबह से निकला हो जब से दोपहर से तो ऐसे ही कर रहा हूँ अब बस रेस्ट कर बल्कि नमाज पढ़नी है अभी आगे लेकिन थोड़ी देर लेट के फिर प्याज साहब सो भी गए आके रोजा खोल के अब हालत देखे यार नींद बहुत ज्यादा आई है ए अज जिवे नशा ही नहीं होता यार साहब तो आग लिया है मोटरसाइकिल ताडा लामा लाता वेख लो भैन तुहाडा सिलेंसर साफ है हुण अज ओने बंदे ने नीयत ना धोती है ओने ना अज बैग सवार के नीयत ना धोती है नहीं अगे जाओ पानी मार दे मरिया कपड़ा मारिया चल चलो चलो जी लेकिन अज ओने नीयत ना धोती बाकी सियासा बात वाडी अमानत ते लव यू हो गया। हां लव यू हो गया। बाकी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।